स्टूडेंट्स, हम बताने चल रहे हैं प्रश्नावली 7.3। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 5 है। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी कुछ आइडेंटिटी है जिसको हमें याद करना है। जैसे देखिए, होता है 1 माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक, ये आइडेंटिटी है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करके? तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये आइडेंटिटी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस है कॉस 2 थीटा बाई 2। ये कैसे, इसको देखिए राइट साइड भेज दिए हैं और इसको लेफ्ट साइड भेज दिए हैं, तो मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, एनटी में था 2, तो इसको हम बटे में कर दिए, ये हो गया। ठीक, अब देखिए थीटा के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, थीटा के प्लेस पर 2x प्लस 5 राइट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2x प्लस 5 राइट कर देंगे, तो ये पूरा लिखेंगे तो 1 माइनस है हो जाएगा कॉस, उसके बाद 2 ब्रेकेट में 2x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई 2 है। अब सेपरेटली हम डिवाइड कर देते हैं, तो अलग अलग अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, उसके बाद माइनस 1 बाई 2 कॉस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। हमें करना क्या है, हमें इसको इंटीग्रेशन मतलब समाकलन ही करना है, तो इसको हम समाकलन कर देते हैं। अब क्या करेंगे सेपरेटली, तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं dx, ये भी इंटीग्रेशन dx। ठीक, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, x मतलब 1 बाई 2 x हो गया। यहाँ पर माइनस है माइनस 1 बाई 2। अब देखिए cos को करेंगे तो cos को हमारा साइन होता है, तो यहाँ पर हम साइन लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल की बात है। ठीक, जैसे अगर हम इंटीग्रेशन cos 2x का कर रहे हैं, सपोज दैट, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हमारा आएगा साइन, ये साइन हो जाएगा, उसके बाद 2x, जो ये कोफिशियंट है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा, ये 2 हो जाता है प्लस सी। ठीक, तो सेम प्रोसेस इसमें भी हमारा होगा। तो यहां पर देखिए कॉस है, कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, कोफिशियंट क्या है x का 4 है, तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, उसके ये प्लस ये मतलब 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन साइन 4x प्लस 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हो गया। अब इसको सिस्टमेटिक राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई 4 दुना 8 हो जाएगा, 8 हो गया साइन, उसके बाद 4x प्लस 10 हो जाएगा, उसके बाद प्लस सी, तो हमारा आंसर ये आ गया।